तो हे गाइज, आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड फाइनली गाइज, फाइनली माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ऑफ एंड आइटम्स का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। यस, फाइनली माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे वन क्लिक में यहाँ पे ऑफ एंड आइटम्स आप लोग प्लेस कर सकते हो। लाइक देख सकते हो, यहाँ पे मैं लाइक माइनक्राफ्ट जावा एडिशन जैसे टॉर्च भी प्लेस कर पा रहा है एंड यहाँ पे मॉब्स को भी मार पा रहा है ईजिली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये देखो भाई, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन देखने को मिल गया अभी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। जो लेटेस्ट अपडेट आया ना, उसमें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखो, माइनिंग भी कर सकता एंड यहाँ पे टॉर्च भी लगा पा रहा हो, तो ये काफी अच्छे से वर्किंग है। लाइक माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में जैसे होता है ना, सेम वैसे यहाँ पे आप लोग माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कर सकते हो। बहुत ही इजी वे है, बस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें इसमें बतानी है ताकि आप लोग इसको जानो, क्योंकि नहीं तो बाद में ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं वन क्लिक में यहाँ पे ऑफ एंड में भी रख सकता। लाइक सिंपली यहाँ पे एक क्लिक करूंगा तो ये ऑफ एंड में भी चला जाएगा एंड मेन एंड में भी आ जाएगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे स्वॉर्ड रख सकते हो, टॉर्च रख सकते हो, शील्ड, एंड ये दोनों हैंड वर्किंग है। ऐसा नहीं कि एक वर्क कर रहा है एक नहीं करेगा, नहीं, दोनों वर्क करेगा और काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। लाइक यहाँ पर देखो, शील्ड भी कर सकते हो और अगर मैं इस चिकन को मारूँ तो ये देखो, देख लो ये भी वर्किंग है, दोनों हैंड अच्छे से वर्क करता है। तो सब कुछ बताता हूँ कैसे इसको प्ले करना, तो चलो बताता हूँ कि कैसे इसको ऐड करना होता है अपने माइनक्राफ्ट में। सबसे पहले तो अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में इसको ऐड कर लेना, ये ऑफ हैंड को, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से इसको ऐड कर लेना। इसके बाद सिंपली आप लोगों को कोई भी वर्ल्ड क्रिएट कर लेना या फिर वर्ल्ड के एडिट में जाना एंड सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल में ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेना, ठीक है ना, ये API ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेना। इसके बाद बिहेवियर में जाना, यहाँ से ये वाला बस ऑप्शन ऑन कर लेना, बस हो गया। बस यही करना है, सिंपली वर्ल्ड क्रिएट करना और ये आपके वर्ल्ड में लग जाएगा ऑफ एंड। अभी मैं देखा था ये कैसे वर्क करता है, तो सिंपली अपने हाथ में कोई भी आइटम रख लेना, जैसे कि ये स्वॉर्ड रख लेता और जैसे यहाँ पर तीन बार क्राउच करोगे, यहाँ न्यू कंट्रोल्स में ये वर्क करता है सिर्फ, तो तीन बार क्राउच करोगे तो ये आपके ऑफ हैंड में चला जाएगा और सेकेंड हैंड में भी कोई भी आइटम रख सकते हो। फिर से तीन बार क्राउच करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखो कुछ ऐसे ये चेंज होता रहता है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टॉर्च भी रख सकते हो, शील्ड वगैरह या फिर कोई भी ब्लॉक वगैरह भी रख सकते हो, तो ये सभी चीज़ में अच्छे से वर्क करता है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको इसका फंक्शन से दिखा दूँ, तो सिंपली एनविल पे जाना, एनविल पे जाके यहाँ पे टॉर्च रखना और इसको ऑफ हैंड लिख देना, कुछ ऐसे इसको रीनेम कर देना कोई भी एक टॉर्च लेके, और सिंपली ये देखो ऑफ हैंड यहाँ पे लिखा जाएगा ना, तो यहाँ स्कोप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका ऑफ हैंड का सेटअप खुल जाएगा कि अगर आप कितने बार क्राउच करोगे तो इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तीन बार क्राउच करोगे तो एक्टिवेट होगा, दो बार स्निक करोगे तो आप लोग, मैं दो बार पे कर दिया, अब यहाँ पे दो बार क्राउच करूँगा तो यहाँ पे चेंज होगा। तो यही सब चीज़ें हैं, तो ये एक चीज़ थी, तो आप लोग समझ सकते हो, तीन बार क्राउच कर सकते हो या फिर दो बार क्राउच कर सकते हो, इसका सेटअप होता है, तो आप लोग सेटअप अपने हिसाब से आप लोग इसको कर लोगे तो काफ़ी बेटर होगा और काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कैसे करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये हो सेटअप हो जाने के बाद आना, वो वाला टॉर्च फेंक देना और नया टॉर्च निकाल लेना, सिंपल। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सेटअप समझ आ गया होगा, तो ये सब कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। सो गाइस, तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल पर नो सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।